खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रमिक के रूप में आज भी बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं। सोमवार को 1098 पर चाइल्ड लाइन को सूचना मिली कि ग्रामीण अंचलों में बच्चे आज भी बाल श्रमिक के रूप में खेतों में काम कर रहे हैं। सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन के द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से ग्राम गढ़ी, मोगर गांव, ढाबला, रेटवा पहुंचे और बच्चों का रेस्क्यू करके 38 बच्चों को खरगोन बाल कल्याण समिति लाया गया, जिसमें 33 बालिकाएं और 5 बालक है। चाइल्ड लाइन के स्वप्निल पवार ने बताया कि ढाबला, रेटवा सहित अनेक गांव से बच्चों को रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति को कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कहाँ जा रहे थे और कहाँ से इनको रेस्क्यू करके लाए? सर, ये 1098 पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके अंतर्गत विभागों की सहायता से आज एक रेस्क्यू कार्यक्रम किया गया। इसमें 33 लड़कियां और 5 लड़के रेस्क्यू करके लाए, जो कि चाइल्ड लेबर का काम करने के लिए विभिन्न जगहों पर जा रहे थे पिकअपों के माध्यम से। पिकअप मालिक और गाड़ियों के साथ इनको यहाँ पर लेके आया गया। कहाँ जा रहे थे, किन किन गांव से इनको? ये गढ़ी, मोगर गांव, ढाबला इस क्षेत्र के बच्चे हैं और यहाँ से ये विभिन्न ग्रामों में मजदूरी के लिए जा रहे थे। अब किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? अब कार्रवाई तो मैं ये है कि जो हमारे लेवल पर हमारे यहाँ बाल कल्याण समिति उपस्थित कर दिया है बच्चों को, और यहाँ से पिछली बार भी जो रेस्क्यू कार्यक्रम हुए थे उसमें कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया था और एक कार्रवाई की गई थी, और कुछ बच्चों को स्कूल ड्रॉप आउट थे उनको स्कूल में एडमिशन कराया गया था और लेबर डिपार्टमेंट के सहयोग से जो भी सहयोग होता था वो दिया गया था। इस प्रकार से इनके लिए भी वही कार्रवाई की जाएगी। बाल कल्याण समिति संज्ञान ले रही है, उसके बाद काउंसिलिंग के बाद फिर कार्रवाई होगी। क्या नाम लिखा? मैं स्वप्निल विहार, डायरेक्टर चाइल्ड लाइन सब सेंटर भगवान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।